अपोजिशन को एक पेज पर लाने का मिशन, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बिलावल भुट्टो एक्टिव। कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान से मुलाकात शेड्यूल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आज शहबाज शरीफ से भी मिलने का प्रोग्राम। अब देखें मौलाना की शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। फजल रहमान इक्तदार का नशा उतरने के बाद मारे मारे फिर रहे हैं। गैर मुतहदा अपोजिशन जान चुकी, हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। फयासुल हसन चौहान। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज। डॉक्टर्स ने कोरोना के बायस घर से बाहर निकलने से रोक दिया। इंतहाई मोहतात रहने की जरूरत है। लीगी कायद की ताजा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। नौ अगस्त को हम सारे पाकिस्तान में एक टाइगर फोर्स दिन बना रहे हैं, लेकिन ये इस दिन का मकसद क्या होगा? सारे पाकिस्तान में हम शजरकारी करेंगे। हमने 10 अरब दरख्त लगाने हैं इंशाल्लाह 2023 तक। 9 अगस्त को टाइगर फोर्स डे और मुल्क भर में शजरकारी। एक दिन में सबसे ज्यादा दरख्त लगाने का रिकॉर्ड कायम करेंगे। 2023 तक 10 अरब दरख्त लगाने का टारगेट है। वजीर आजम आवाम से शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। लॉकडाउन के अहकामात ना मानने वालों की शामत। फैसलाबाद में पुलिस की चढ़ाई, दुकानें खोलने वाले ताजरों की पिटाई, कई को धर लिया गया। गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। लाहौर की आसम क्लॉथ मार्केट में भी पुलिस और ताजरों में तल्ख कला। रावलपिंडी, गुजरात, झंग समेत छोटे बड़े शहरों में भी हुकूमती अहकामात नजरअंदाज। ताजरों ने दुकानें खोल ली, पुलिस का जवाबी एक्शन, शॉप्स बंद करा दी। मनमानी करने वालों की पकड़ धकड़। ईद पर कोरोना का फैलाव रोकने के लिए नई हिकमत अमली। पंजाब में 5 अगस्त तक लॉकडाउन का आगाज। मेडिकल स्टोर, सब्जी, किराना, बेकरी, दूध दही की दुकानें ओपन। होटल्स पर टेक अवे, होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव कम, केसेस में 80% कमी। अंदाजों के बरक्स वबा के उरूज का महीना एक माह पहले आ गया। ईद और मुहर्रम के मौके पर कौम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। मौफ ने खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की अपील। कोरोना का फैलाव 3 माह की कम तरीन सतह पर। केसेस और अमवात में 24 घंटे में 23 अफराद जाम बहक। अब तक 5,865 अमवात। मुल्क भर में 2,75,225 शहरी मुतासर। सिंध 1,18,824, पंजाब 92,279 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा 33,510। बलूचिस्तान में 11,624 केसेस। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुआशी, सियासी और कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। शहर कायद में तीसरे रोज फिर रिमझिम। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के असरात बाकी। औरंगी टाउन में सड़कें धंसने से कई गाड़ियां फंस गई। नाजिमाबाद में रेंजर्स भी शहरियों की मदद में पेश पेश, असातिज़ा को रेस्क्यू किया। कराची डूब रहा था, पीपल्स पार्टी वाले सालगिरह मना रहे थे। बारिश ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नालों की सफाई का फंड बेजाब्तगियों की नजर। वर्ल्ड बैंक की जानिब से 1.25 अरब रुपए की ग्रांट कहां गई? खुर्रम शेर जमान। शहर कायद डूब गया, वजीर आला सिंध का एक बयान तक नहीं आया। कोरोना पर सियासत करने में सबसे आगे मुराद अली शाह कहाँ हैं? अगर हुकूमत पर झूठी तनकीद करनी हो तो वो सबसे पहले बात करेंगे। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल।
एयरब्ल्यू तैयारा हादसे के 10 साल। गुलाम सरवर खान की इस्लामाबाद में यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। तमाम हादसात की वजूहात जानने के लिए आजाद तहकीकाती बोर्ड बनाएंगे वफाकी वजीर हवाबा। अल्कोहल और नशावर अशिया का इस्तेमाल रोकने के लिए इकदाम। कैबिन क्रू के लिए जहाज में सवार होने से कबल सांस का मुआयना लाजमी करार। कौमी एयरलाइंस के फजाई मेजबानों के लिए नए अहकामात जारी। बड़ी ईद बड़ी तैयारी, मनपसंद जानवरों की खरीदारी में ख्वारी। कमजोर बकरे का भी तगड़ा रेट, दुम्बे के मुंह मांगे दाम। गाय और ऊंट की कीमतें भी आसमान पर, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। शहर शहर कुर्बानी के खूबसूरत जानवरों की भरमार। क्वेटा में दराज कद भाग नाड़ी बैल की धाक। गुजरावाला में सोनू मोनू सूरजमुखी और रुस्तम पंजाब की धूम। मुल्तान की मवेशी मंडी में दाजल नस्ल के चांद का चर्चा। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूँ उसैद। मैं हूँ उमेर रुबाब जैन। सैयद आयशा नाज हेडलाइंस आपसे जानिए, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, वजीर आजम इमरान खान की जेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें विफाकी काबीना ने पेट्रोल बहरान के लिए कमीशन कायम करने की मंजूरी दे दी है। पीआईए के चार्टर लाइसेंस और आपको बताएं कि दीगर के तजदीद की भी मंजूरी दी गई है। इसी तरह इस्लामाबाद में घरों में काम करने वाले वर्कर्स के तहफ्फुज़ बिल की भी मंजूरी दी गई है। मजीद जान लेंगे, उमर जट हमारे साथ मौजूद है। उमर बताइएगा, क्या हम फैसले हुए काबीना इजलास में? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज जो वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें 13 नुकात थे जिन पर गौर किया गया। तमाम नुकात की मंजूरी दी गई है। एक जो पॉइंट था उसे डेफर किया गया है, एक मामले को मुअक्कर किया गया। सबसे अहम जो मामला था वो पेट्रोल की किल्लत की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के क्याम की मंजूरी थी, जिसकी काबीना ने मंजूरी दी है। इसके साथ पीआईए के चार्टर लाइसेंस और एरियल वर्क की तजदीद की मंजूरी काबीना ने दी है। काबीना को आज ब्रीफिंग दी गई मासी इशारियों के हवाले से, कोरोना सूरत हाल में जो अहदाफ हैं हुकूमत के उन पर तफसीली काबीना को आगाह किया गया। इसके साथ इदारा जाती इस्लाहात से मुतल्लिक जो वजीर आजम के मुशीर बनाए इदारा जाती इस्लाहात हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, उन्होंने काबीना को जो पेशरफ रिपोर्ट है इस सारे मामले की वो पेश की। वापस चेयरमैन और मेम्बरान की तकर्रियों के लिए जो कवायद जवाबित का मामला है वो फिलहाल मौखर किया गया है। इसके साथ काबीना ने यूनिवर्सल सर्विस फंड कंपनी के सीईओ की भी तैनाती की मंजूरी दी है। आज जो कमीशन का जो मामला था इस हवाले से, इसको वज़ीर आज़म ने कहा है कि कमीशन का जो सरबराह है वो जल्द अज जल्द उसका तयन कर दिया जाएगा और पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का भी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है। इसके साथ उन्होंने ये भी वाज़ह किया है कि चीनी और गंदम का बहरान किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवाम को गंदम और चीनी की जो फरहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए गए। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में खिताब भी किया, बहुत शुक्रिया आपका उमर जट। एक और अहम खबर आपको दें, बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन को एक पेज पर लाने का मिशन है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बिलावल भुट्टो मुतहर्रिक हो गए। बिलावल भुट्टो की आज शाम 4 बजे मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात शेड्यूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आज शहबाज शरीफ से भी मिलने का प्रोग्राम है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा लियाकत अंसारी से। लियाकत, आज होने वाली मुलाकातों से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। लियाकत अंसारी से एक बार फिर आप तक करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का अपोजिशन को एक पेज पर लाने का मिशन है। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बिलावल भुट्टो मुतहरिक हो गए हैं। बिलावल भुट्टो की आज शाम 4 बजे मौलाना फजल रहमान से मुलाकात शेड्यूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल अपोजिशन की आदत की सरगर्मियों में तेजी आ रही है और हुकूमत मुखालिफ एजेंडे को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए अपोजिशन कायदीन के रास्तों में भी तेजी आ गई। और आज बिलावल भुट्टो जो कि गुज़श्ता शब लाहौर पहुंचे थे, आज उनके मुख्तलिफ रास्ते हुए जिसके नतीजे में आज उनकी मौलाना फजल रहमान से इंतहाई अहम मुलाकात है, जिसमें आल पार्टी को
एजेंट्स और हुकूमत मुखालिफ जो हिकमत अमली है उसको डिस्कस किया जाएगा। और इसी तरह के शाम को 6 बजे वो शहबाज शरीफ जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुस्लिम यून के सदर है उनसे मुलाकात करेंगे और जो APC की तारीख उसके नकात और आइंदा हुकूमत मुखालिफ लायामल के बारे में जो मुख्तलिफ तजावीज कमेटीज की सतह पर डिस्कस हुई हैं उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। इससे पहले मुस्लिम यून के काला फतेह वक्त ने जो है वो बिलावल हाउस में गुजश्ता हफ्ते बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके कुछ बुनियादी नकात तय किए थे और उसके बाद फिर टेलीफोनिक रास्ते हुए और आज ये लाहौर में अहम बातों का सिलसिला जो है वो आज शाम तक जारी रहेगा। पहले बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान और फिर शहबाज शरीफ पर बिलावल भुट्टो की मुलाकात होगी जिसमें बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपने अपडेट किया। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात दरअसल सियासी यतीमों की मुलाकात थी। फयाजुल हसन चौहान ने अपने रद्दअमल में कहा कि सिंध में मौलाना की आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी से मुलाकात का चांद ज़ियाउर रहमान की सूरत में चढ़ा था। अब देखे मौलाना की शहबाज शरीफ से मुलाकात क्या गुल खिलाती है। मौलाना फजल रहमान 30 साल इक्तदार का नशा उतरने के बाद पूरे मुल्क में मारे मारे फिर रहे हैं। मौलाना के तमाम सियासी दावतों लॉन्ग मार्च अदम एतमाद की तहरीकों और APC का हासिल हुसूल सिर्फ जग हसाई निकला।